हमास की इजराइल को खोली धमकी। एक भी बंधक जिंदा वापस नहीं जाएगा। नेतन्याहू की खामोशी से उठे सवाल। 137 बंधकों का क्या होगा? क्या इजराइल उन्हें हमास के हाथों मरने के लिए छोड़ देगा या हमास की मांगें मान लेगा? हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने इंटरव्यू में कहा, ना तो फांसीवादी दुश्मन और उसका अहंकारी नेतृत्व, ना ही उसके समर्थक बिना किसी आदान प्रदान या बातचीत व मांगों को पूरा किए बगैर अपने कैदियों को जिंदा ले जा सकते हैं, ना ही वो जाने देगा। हमारे पास हर मोहल्ले, सड़क और गली में इस बर्बर कब्जे वालों से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दुश्मन के विनाश का मकसद हमारे प्रतिरोध की ताकत को तोड़ना है, लेकिन हम अपनी भूमि पर एक पवित्र युद्ध लड़ रहे हैं। हमास की मांगे मानना इजराइल के लिए आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल ये है कि इजराइल बंधकों को मरने के लिए छोड़ देता है तो फिर विश्व बिरादरी के आगे उसकी नाक कट जाएगी, मतलब इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के आगे कुआं है और पीछे खाई। अगर हमास की बात मानते हैं तो उन्हें तत्काल युद्ध विराम घोषित करना होगा, जो इजराइल नहीं चाहता, और बंधकों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं तो इजराइल की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। सवाल है, फिर नेतन्याहू आगे क्या करने जा रहे हैं? इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे कि नेतन्याहू के पास बंधकों को छोड़ाने का प्लान क्या है। उससे पहले हमास की उन मांगों की लिस्ट देख लेते हैं जिसे पूरा नहीं करने की सूरत में हमास ने सारे बंधकों को मौत के घाट उतार देने की धमकी दी है। पहली मांग, इजराइल को तत्काल सीज फायर की घोषणा करनी होगी। दूसरी मांग, इजराइल को गाजा पट्टी तक आने वाली ईंधन की लाइनों को फिर से बहाल करना पड़ेगा। तीसरी मांग, बंधकों की रिहाई के बदले इजरायली जेलों में कैद फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। इजराइल डील करने में यकीन नहीं रखता, वो ऐसी सौदेबाजी को हथियारों से तय करता है, हमले से तय करता है। इजराइल की सेना का कहना है कि उसने 24 घंटे में 250 टारगेट को निशाना बनाया। इन हमलों में 297 फिलिस्तीनी लोगों की मौत हुई है, 500 से ज्यादा घायल हो गए हैं। हमास ने कहा है कि 7 अक्टूबर से अब तक 18,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल का कहना है कि उसने 7,000 हमास के आतंकियों को मार गिराया है। ऐसा करते हुए इजराइल के 98 जवान शहीद हो गए हैं और 600 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। हर युद्ध की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा कीमत तो बंधक चुका रहे हैं। इन बंधकों को 7 अक्टूबर को हमास गाजा उठाकर ले आया और तब से अब तक इनके सिर पर हमास की बंदूकें तनी हुई हैं। हमास ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इजराइल से लोगों को अगवा किया था। हमास का मकसद ही था कि इजरायली लोगों को अगवा करके रखेंगे और जब बाजी पलटने लगेगी तो इजराइल से बंधकों की जान का सौदा करेंगे। हमास वही कर रहा है, लेकिन हमास की परेशानी ये है कि नेतन्याहू बावजूद इसके गाजा की तबाही पर रोक नहीं लगा रहे हैं। क्यों? इसे जानने के लिए आपको सिर्फ 2 मिनटों का इंतजार करना होगा, क्योंकि उससे पहले बंधकों की पूरी डिटेल समझनी जरूरी है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम हुआ था, जो 1 सप्ताह के बाद 1 दिसंबर को टूट गया। इसमें 105 बंधकों को हमास ने रिहा किया था, जिसमें से 80 इजरायली थे। इनके बदले इजराइल ने 240 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। इजराइल का कहना है कि अब भी 137 बंधक हमास के कब्जे में हैं।
हमास 137 बंधकों के बदले इसराइल को झुकाना चाहता है, लेकिन नेतन्याहू के रुख को देखकर नहीं लगता कि वो इस वक्त किसी भी तरह के समझौते के मूड में है। यूएन में अमेरिका ने जब युद्ध विराम के प्रस्ताव पर वीटो किया तो इसका मतलब यही निकलता है कि इसराइल हमास का पूरा सफाया करके ही दम लेना चाहता है। लेकिन इस बीच वो बंधक है जिनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस बीच कतर है जिसका कहना है कि फिर से सीज फायर कराने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन दूसरी ओर कतर ही कह रहा है कि इसराइल की बमबारी सक्सेसफुल रिजल्ट देने में बड़ी अड़चन है। मतलब कतर भी चाहता है कि जैसे पहली बार सीज फायर के दौरान बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों को इसराइल ने रिहा किया, उसी तरह एक बार फिर किया जाए। लेकिन नेतन्याहू सख्ती दिखा रहे हैं क्योंकि गाजा के पूरी तरह तबाह होने में अब महीनों या साल नहीं लगने वाले। इसराइल चाहता है कि जब उसका गोला बारूद चलना बंद हो उससे पहले हमास का सूपड़ा साफ हो जाए, लेकिन समस्याएं कई हैं। हमास ही नहीं, इजरायली सैनिकों को एक और से जंग लड़नी पड़ रही है और ये जंग है सैनिकों की बीमारी। इसके अलावा यमन के हूती हैं जिनका हमला रुक ही नहीं रहा। इसके साथ ही हिजबुल्ला है जो लगातार धमकी देते हैं, और तो और ईरान है जो लगातार इन संगठनों को खाद पानी देता है। बेन्यामिन नेतन्याहू सत्ता में सुरक्षा की गारंटी देने के साथ आए थे, लेकिन 7 अक्टूबर के हमले ने उनकी गारंटी की चिंदी बिखेर दी। अब नेतन्याहू के सामने युद्ध है और इस युद्ध में इसराइल की जीत की गारंटी पूरी करनी है, लेकिन नेतन्याहू फंस गए हैं। इसराइल के डॉक्टरों का कहना है कि गाजा के अभियान में लगे कई सैनिक पेट की एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए हैं जिसे वो शिकला कहते हैं। कहा जा रहा है कि साफ सफाई के खराब माहौल और युद्ध क्षेत्र में दूषित खाने के कारण ये बीमारी फैल रही है। ये खाना शिगेला और हानिकारक बैक्टीरिया से दूषित हो जाता है। परिवहन के दौरान इस भोजन को ठंडा भी नहीं किया जाता है जिसके चलते बैक्टीरिया इसमें बने रहते हैं, और जब उस भोजन का सेवन किया जाता है तो सैनिक बीमार पड़ जाते हैं। इसराइल की सेना उत्तरी गाजा में इस वक्त भयंकर तबाही मचा रही है। गाजा का मोर्चा इसराइली सेना के लिए जाना पहचाना है। गाजा इसराइल के बीच की दूरी भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन युद्ध जैसे जैसे लंबा खिंच रहा है मुश्किलों का आना लाजमी है। शिगेला बैक्टीरिया का एक प्रकार है। जब यह शरीर के अंदर प्रवेश होता है तो पेचिस का कारण बनता है जिसे शिगेलोसिस कहा जाता है। इसके लक्षणों में बुखार, खून या लंबे समय तक रहने वाला दस्त, पेट में गंभीर ऐंठन या डिहाइड्रेशन शामिल है। अगर इस बीमारी का समय से इलाज ना हो तो मरीज की जान भी जा सकती है। 7 अक्टूबर को इसराइल ने 1400 लोगों को खोया और उसके बाद 98 सैनिक उसके मारे गए हैं। इसराइल अपने जवानों को उच्च स्तर की ट्रेनिंग देता है। गाजा में बीमारी के फैलने के बाद नेतन्याहू सरकार एक्शन में है। सैनिकों को स्वस्थ रखने के साथ ही गाजा को इजरायली डिफेंस फोर्स खाक बना रही है, और सिर्फ गाजा ही नहीं इसराइल यमन पर हमले की भी तैयारी कर रहा है। इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाची हानेकबी को सुनिए। इसराइल हूथी विद्रोहियों को रोकने के लिए दुनिया को संगठित होने का कुछ समय दे रहा है क्योंकि ये एक वैश्विक मुद्दा है, लेकिन अगर दुनिया कोई व्यवस्था नहीं कर सकी तो हम नौसैनिक घेराबंदी हटाने के लिए कार्रवाई करेंगे। इसराइल को आज नकल हूथी और हिजबुल्ला जैसे संगठनों से दो दो हाथ करना ही होगा क्योंकि हमास के खात्मे के बाद ये संगठन ईरान के नेतृत्व में ज्यादा एक्टिव होंगे। यमन के हूथी और हिजबुल्ला दोनों ईरान की तरह शिया हैं, लिहाजा ईरान सुन्नी हमास की तरह इन संगठनों के पीछे से हाथ भी नहीं खींचने वाला। इसीलिए
इसराइल की हमेशा से कोशिश रही है कि जब सफाई हो रही है तो लगे हाथ हूती और हिजबुल्ला दोनों को साफ कर दिया जाए। यहाँ हूती विद्रोहियों के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी देख लीजिए। यमन के हूती विद्रोही 2014 से सऊदी अरब के समर्थन वाले गठबंधन के खिलाफ गृह युद्ध लड़ रहे हैं। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इसराइल पर हमला किया तो इनकी समुद्री गतिविधियां बढ़ गईं। यमन से लाल सागर होते हुए हूती इसराइल को निशाना बना रहे हैं। हूती विद्रोहियों के मामले को नाकाम करने के लिए अमेरिका ने लाल सागर में अपना युद्धपोत तैनात किया है। बावजूद इसके हूती हमले नहीं रोक रहे, लिहाजा नेतन्याहू इनका परमानेंट उपाय तलाशने में जुट गए हैं।